पोको ने अपना एक और नया स्मार्टफोन पोको X6 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ सैमसंग का पॉपुलर स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F34 5G वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 1000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ पोको X6 न्यू 5G को 15,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाय कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F34 5G को 16,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाय कर सकते हैं। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक तरफ पोको के X6 न्यू 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6080 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F34 5G में सैमसंग का एक्जिनोस 1280 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में रियल लाइफ में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों तरफ पोको X6 न्यू 5G का जो अंतु स्कोर निकल के आता है 4,38,000 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F34 5G का जो अंतु स्कोर निकल के आता है 4,55,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ गैलेक्सी के F34 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 2,700 निकल के आता है, उसी तरफ पोको के X6 न्यू 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 2,400 निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन के पास एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं। ऑल ओवर डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में बेटर देखने को मिल जाती है। एक तरफ पोको के X6 न्यू 5G में 6.67 इंच की फुल HD प्लस 5 वाली AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले के बेजल वो काफी ज्यादा कम देखने को मिल जाते हैं। इस प्राइस रेंज में कोई ऐसा स्मार्टफोन नहीं आता जिसमें आप लोगों को इतने कम डिस्प्ले में बेजल देखने को मिल जाते हैं और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी F34 5G में 6.46 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले में आप लोगों को 5 देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले में आप लोगों को काफी ज्यादा बेजल नीचे देखने को मिल जाते हैं और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को। स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में भी दोनों स्मार्टफोन के पास एडवांटेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ पोको के X6 न्यू 5G में ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F34 5G में कम मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है, बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पोको के X6 न्यू 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 108 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F1.75 अपर्चर देखने को मिल जाता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। वही एक तरफ गैलेक्सी के F34 5G में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.2 अपर्चर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ पोको के X6 न्यू 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। एक तरफ पोको के X6 न्यू 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है जबकि गैलेक्सी के F34 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को नहीं मिलता। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो एक तरफ पोको के X6 न्यू 5G में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 33W की फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F34 5G में 6000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है 25W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के रियल लाइफ के गेम परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन बेटर देखने को मिल जाती है पर एक तरफ आप लोगों को 5 वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती, कम बेजल वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती, तो दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी F34 5G में आप लोगों को 5 देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले भी बेजल थोड़े ज्यादा देखने मिल जाते। कैमरा वाइज दोनों स्मार्टफोन बेटर पर ज्यादा एडवांटेज आप लोगों को गैलेक्सी के F34 5G के कैमरे देखने मिल जाते क्योंकि कैमरे में आप लोगों को OIS का सपोर्ट देखने मिल जाता है। तो अगर आप लोग सैमसंग के स्मार्टफोन को काफी ज्यादा पसंद करते हो, सैमसंग का नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों को गैलेक्सी के F34 5G की तरफ जाना चाहिए, पर अगर आप लोग प्रीमियम डिजाइन के साथ साथ बेजल लेस डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे 108 मेगापिक्सल वाले कैमरा सेटअप के साथ
तो आप लोगों को पोको के X6 नियो 5G की तरफ जाना चाहिए। वैसे तो ये दोनों स्मार्टफोन अपने अपने प्राइस में बेस्ट हैं।